नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जब हम कॉलेज देखते हैं, कंट्री देखते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन ये भी आता है कि कौन सा कंट्री जाना है आखिर। तो दोस्तों, एमबीबीएस इन चाइना इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। हाँ, मैं मानता हूँ कोविड में चाइना ने थोड़ा देर लगा दी बॉर्डर ओपन करने के लिए, बट आज चाइना फुल्ली ऑपरेशनल है। 25 अगस्त 2022 से चाइना ने ओपन कर दिया अपना बॉर्डर, और आज जितने भी बच्चे पुराने थे वो सब चले गए, और इवन जो नए बच्चे हैं वो सब बच्चे का वीजा लग रहा है, सारा डिपार्चर हो रहा है। आपने भी देखा होगा फरवरी से मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी जाना शुरू कर दिया है। चाइना जाने का कुछ अच्छा रीजन ये है दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर कंट्री है तो पेशेंट भर भर के मिलेगा, इंडिया जैसे वेदर है तो डिजीज भी इंडिया जैसे ही होगा, और सबसे अच्छी बात क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर में चाइना बहुत स्ट्रांग है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कॉलरशिप। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि चाइना में आपको पता है जो अच्छे स्टूडेंट है उनका अपना एक बेंचमार्क होता है, 80%, 90% या 75% है तभी चाइना के अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे परसेंटेज होल्डर हो, अगर आपका 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज है, अगर आपका नीट में स्कोर अच्छा है, तो आई गारंटी यू चाइना में हर एक बच्चे को हर साल स्कॉलरशिप मिल सकता है, और अप टू 5 लाख तक स्कॉलरशिप मिलेगा। 10th और 12th के परसेंटेज और नीट के स्कोर के बेसिस पे फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और सेकंड ईयर के परफॉर्मेंस जो आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम होगा, अगर उसमें भी आप टॉप 5 में रहते हो अप टू 5 लाख, और टॉप 10 में रहते हो तो अप टू 2 लाख पर ईयर पर स्टूडेंट मिल सकता है। तो ये श्योर शॉट चीजें हैं जिसके लिए चाइना में बच्चे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाइना की बात करें, आपके मन में अगर कोई क्वेरीज हो कि सर जाना है तो कौन से कॉलेज में जाना है, तो सबसे पहले आपके लिस्ट में होना चाहिए C9 लीग के यूनिवर्सिटी। C9 स्टैंड्स फॉर चाइना की जो टॉप 9 यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इंडिया की एम्स। अगर आप एलिजिबल हो तो C9 लीग के यूनिवर्सिटी का एडमिशन डेट क्लोज हो रहा है। यूनिवर्सिटी जो अपना इंटरव्यू ले रहा है स्काइप के थ्रू या जूम के थ्रू, वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने दे दिया। इवन जेजियांग शियानजियातोंग जैसे यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चे का प्री एडमिशन लेटर भी आ चुका है। ये रहा उनका एडमिशन लेटर की एक छोटा सा कॉपी, और बता दूं उन सारे बच्चों ने फीस भी जमा करना शुरू कर दिया। तो प्लीज आप लेट ना करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे अपना भाई बेटा या दोस्त कुछ भी माने, आपको पता है मैदुल सर हमेशा से आपके लिए कंट्री कॉलेज विजिट करते हैं, हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉलेज का हो, हॉस्टल का हो, हॉस्पिटल का हो, लोकल का हो, या स्टूडेंट का रिव्यू का हो, या डीन और रेक्टर की वीडियो का हो, हर एक वीडियो आपके सामने, आपके बिना विजिट किए आपके लैपटॉप के सामने लेके आते हैं। वैसे ही एक वीडियो मैं आज दिखाने वाला हूं दोस्तों, जब मैं शियानजियातोंग में गया था। आप जानते हो कि हमेशा मैं या मेरा टीम में से कोई ना कोई बच्चों के साथ जाता है और सारा काम अपने जिम्मेदारी से करके आता है। तो जब वो बच्चा पहुंचा वहां पे, उनका कुछ टाइम गया, उसके बाद शियानजियातोंग के कैंपस में ही मैं उन बच्चों का रिव्यू लाया हूं आपके लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए। आप एक बार चेक कर लीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि कितने क्वालिटी स्टूडेंट वहां पे जाते हैं और उनका क्या रिव्यू है शियानजियातोंग यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं शियानजियातोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आया हूं, और आज हमारे साथ हमारे प्रिय स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम देवांशु शर्मा है, मैं भोपाल से हूं, मध्य प्रदेश से। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए आपने शियानजियातोंग यूनिवर्सिटी चूज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो जैसे आईवी लीग अगर यूएस के अंदर माना जाता है, तो यहाँ पर C9 लीग माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, C9 लीग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है, मेरा सबसे पहले प्लान यही था कि आई शुड गो विद द C9 लीग ओनली। तो उसमें शियानजियातोंग काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी मतलब एंशियंट यूनिवर्सिटी है, एंड टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है। तो इसलिए मैंने शियानजियातोंग चूज़ किया, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेंबर ऑफ C9 लीग, एंड इट्स वेरी एडवांस इन द टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली वी आर इन द कैंपस विच इज़ वेरी मच न्यू, यू नो, इट जस्ट ओपन इन द 2016 ओनली। सो द कैंपस इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर, एंड दैट्स व्हाई। सर, अच्छा क्या लगा शियानजियातोंग यूनिवर्सिटी के बारे में आपको? शियानजियातोंग काफ़ी एक्चुअली एडवांस मतलब कि लग रहा है ऐसा इंडिया में, तो मैं दिल्ली में भी रहा हूँ काफ़ी टाइम, लेकिन ज़्यादातर मतलब ऐसा कुछ देखा नहीं ऐसा। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है मुझे बताएंगे? एक्स्ट्रा करिकुलर तो बहुत है, फुटबॉल का बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, और बैडमिंटन के काफ़ी सारे कोर्ट हैं, 6 कोर्ट हैं शायद, और बास्केटबॉल के भी 4 कोर्ट्स हैं। तो मतलब कि स्पोर्ट्स वाइज, और फिर उसके अलावा
अलावा आप कह सकते हैं जिम भी अभी खुला है रिसेंटली में। रिसेंटली अभी एक अमेरिकन डॉक्टर आए यहाँ पे जिनके पास 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस था, MD। वो अपने एक्सपीरियंसेस बता के गए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अमेरिकन मेडिसिन के अंदर, मेडिकल सिस्टम ऑफ अमेरिका एंड ऑल दैट। उनका क्या फीडबैक था यूनिवर्सिटी के बारे में? उनका जब वो यहाँ पर आए तो उनका सबसे पहले यही था कि आई एम यू नो वेरी ऑनर टू प्रेजेंट लेक्चर हियर इन शियान जोटोंग यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट। भाव्या, यस, आपको बोला गया था, आपके फादर तो आए थे जब, तो आपने दूसरी कंट्री के लिए बारे में बात किया था, बट लुकिंग एट योर स्कोर, आप लोगों का इतना अच्छा स्कोर है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि चलो चाइना जाओ और शियान जियाटोंग जाओ। तो वो जो सजेशन दिया था वो अच्छा था? सर, सजेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग लेवल की है। एडोरेजन को क्यों सजेस्ट करना चाहोगे जो आज वीडियो देख रहे हैं? सर, एक ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब भरोसा एक चीज़ होती है, वो आपसे बात करके हमें आया तो, और भरोसा तो उस टाइम पे आया था, उसके बाद जैसे हमने उसके बाद सर, जैसे आप आज भी हमसे मिलने आए हैं, स्पेशली आपकी आज रात की फ्लाइट है पर आप अभी हमसे मिलने आए हैं, तो यू आर हैप्पी विद द सपोर्ट। आज हमारे दो स्टूडेंट जो उत्तराखंड से थे, हिमाद्री और सौम्या, यूनिवर्सिटी कैसा लगा? यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यूनिवर्सिटी। बहुत चलना पड़ रहा है क्या? नहीं, मतलब एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, वी हैव बास्केटबॉल कोर्ट, वी हैव बैडमिंटन, वी हैव इनडोर, एक्सडोर, एवरीथिंग आउटडोर, सो इट्स रियली नाइस। एंड द थिंग इज वी डोंट हैव मेडिकल स्टूडेंट्स, वी हैव स्टूडेंट्स फॉर एवरी कोर्सेज, सो एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इवन वी हैव चाइनीज स्टूडेंट्स विद अस, सो उनसे चाइनीज इंटरेक्शन करने में और अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पे फैकल्टीज कैसे, आर दे हेल्पफुल? दे आर रियली हेल्पफुल, वी हैव HSK, वी हैव स्पीकिंग, लिसनिंग एंड PMC, सो द फोर लाउशीज, आई मीन फोर टीचर्स आर रियली स्वीट, वी कांट इवन इमेजिन दैट दोज आर टीचर्स, दे आर लाइक फ्रेंड्स। एडोरेजन को आपने चूज किया? हाँ जी। कैसे चूज किया, और जो हमने प्रॉमिस किया वो अगर मिला है तो आपके आगे जो उत्तराखंड से जो आज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, बिकॉज मसूरी और देहरादून इतना छोटा शहर है कि मेरे लिए यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है, और वहाँ ऐसे शहर में आपका यहाँ पे मुझे भेजना बहुत बड़ी बात है। सो आई वुड सजेस्ट इफ एनीवन वांट टू डू MBBS आफ्टर गिविंग योर नीड्स, सो कम टू शियान जियाटोंग यूनिवर्सिटी, कॉन्टैक्ट एड्यूराइजन। मैंने एड्यूराइजन जो है नेट के थ्रू एक्सप्लोर किया था, एंड आई रियली लाइक इट। इनिशियली मेरे को अजीब लग रहा था, लाइक मेरे पे और भी ऑप्शन थे, लाइक स्टूडेंट्स के थ्रू एडमिशन लेना, बट मॉम स्केयर्ड थी कि कुछ भी हो सकता है, तो दे हेल्प अस अलॉट। और आई सजेस्ट यू कि किसी एजेंसी के थ्रू ही जाना चाहिए, और आई सजेस्ट यू कि एड्यूराइजन के थ्रू ही जाना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि आपके साथ कोई आया था? हाँ, क्योंकि मेरे साथ ये था कि जो भी 4 महीने का टाइम पीरियड था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते थे, तो मैं कभी भी कोमल मैम को, संजय सर को, आपको, कभी भी मेरे डैड या मैं कॉल करते थे तो वो तब भी फ़ोन करते थे, तभी के तभी उसकी इन्फॉर्मेशन देते थे। और जो ट्रांजिट था पूरा, जो आप वहाँ से आए, हाँ जी, आया था आपके साथ? हाँ, अपार्ट फ्रॉम वेट सर आए थे हमारे साथ, एंड उन्होंने मतलब इतना हेल्प किया, उन्होंने हमारे लगेज तक उठाए, तो मैं और क्या कह सकती हूँ के बारे में। मेरी पेमेंट उन्होंने की है, पेमेंट की है, लगेज उठाई है, फूड पे किया है हमारे लिए, तो और तो कोई अपना भी नहीं करता इतना तो। बाकी एजेंसीज पेमेंट नहीं करी थी, अगर बच्चों को कोई इशू आया था, मतलब पेमेंट इशू, क्योंकि रूम आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, सर जो थे उन्होंने खुद से पेमेंट किया हमारे, खुद से पेमेंट किया, एंड इनफैक्ट ही वेंट टू द सिटी, उन्होंने पूरा हमारा कैश डिपॉजिट करके चेंज करके हमें यहाँ पे दिया है, और यहाँ से 2 घंटे दूर है वो, तो यहाँ पे अनजान शहर में इतना जाना आप खुद ही सोचिए। आज मैं शियान जियाटोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, तो हाय अभिदा, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप? यस, हेलो ऑल, आई एम अभिदा शर्मा एंड आई एम प्रेजेंटली स्टूडेंट ऑफ शियान जियाटोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, अब हम किसके सामने खड़े हैं? Actually, we are in front of the canteen. It's called something in Chinese. So, since we know that you are a good student, so how you are finding your teachers and in the university as promised by us? Yes. So, चलते थे। Okay. The teachers are really very cooperative with the students, right? Mm-hmm. And they're very helping, because I find the teachers here very good. My real experience is like they're always helping, they're always ready. Even when we have some doubts, we ask the teachers on the WeChat, we have an app here. Uh-huh. At around 11 in the night, 12, the teachers reply us immediately. They don't delay. We wish all the best to you, dear. Go and have lunch. Thank okay? you. Okay. Thank you so much.